कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाइना के सामने इंडिया को एक कीड़े मकोड़े की ऐसी ऐसे ही जानता हूँ। आपने बोला कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता इंडिया को। जीडीपी किसी भी कंट्री की जो सी है वो उस कंट्री की डेवलपमेंट को शो करती है। Exactly. इस दफा इस साल की 2023 की आप जीडीपी उठा के देख लें, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, चाइना से भी कई गुना ज्यादा है। मतलब कई गुना उनकी 5% है ऑलमोस्ट और इनकी 7.6% है। इसका मतलब है इंडिया ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। इंडिया में अगर आप बात करें, आपने जीडीपी की बात की, तो वो बेसिकली आप दूसरे एंड पे देखें तो इंडिया में मोर देन 60% लोग जो लाइन है गुर्बत की लाइन है उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस, ये भी हमें मीडिया पे बताया जाता है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की 2023 की रिपोर्ट है 0.1% या ओवरऑल 1% एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी सिर्फ इस टाइम इंडिया में रह चुकी है। फिर आपने बोला 60% लोग पॉवर्टी से नीचे हैं। देखें ये थोड़ा डाटा है, ये इंटरनेट पे भी मौजूद होगा। देखें, देखें। एक मिनट मेरी बात सुने। पैकी बीआरआई की बात हो रही थी जो कि टॉपिक था, और टॉपिक ये था कि भाई इटली ने ऑफिशियली ये कह दिया कि हम एग्जिट करते हैं वहां से, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी इसी लेवल का, इसी मतलब इसी तरह का एक जो सा इसके मुकाबले में प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो कि यूरोप तक जाएगा। ठीक हो गया, क्या ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सीपैक या बीआरआई से पहले तो उनका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और वो जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा पाकिस्तान का इंटरेस्ट शो करता है ना, उस बंदे को उठा के जेल में डाल देते हैं। ठीक है, अब इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर अगर कोई बंदा इस तरह से करता है उसको समझाते हैं, उसको कहते हैं भाई चुप करो, बैठे रहो, ये पूरी नेशन का मसला है। हाँ, वो यानी अपनी नेशन को पहले रखते हैं। यस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जेब को भाई पहले रखते हैं, जिसकी वजह से बीआरआई की अगर बात ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, इटली की तरफ से अभी ये खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम बीआरआई का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या मुझे चाइना और पाकिस्तान के अलावा कोई दो या तीन कंट्रीज बता दें जिनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं? बेहतर नहीं, वेल मुझे नहीं पता। अब पाकिस्तान के कोई भी चार कंट्रीज बता दें जिनके साथ रिलेशन बेहतर है, कोई भी चार। सबसे चाइना को छोड़, सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ही है भाई, जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें बैन कर दिया जाता है यूएस की तरफ से। हाँ देखें, इसलिए हमें जो सा यहाँ पे जो सा है रशिया के साथ ट्रेड करने से रोका जाता है, इसलिए हमें ईरान के साथ ट्रेड करने से यूएस रोकता है कि ये रिलेशन, इसे रिलेशन बेहतर नहीं, इसे ऑर्डर देना कहते हैं। इसी को तो देखें, चाइना का इस टाइम हिस्ट्री का सबसे बड़ा चाइना का प्रोजेक्ट है और उसका ही एक हिस्सा है सीपैक। पहले सीपैक की बात करेंगे, फिर बीआरआई की, और फिर इंटरनेशनल कंट्रीज जिस तरीके से इंटरेस्ट लूज कर रही हैं इस प्रोजेक्ट में उसके ऊपर आएंगे। सीपैक क्यों रुका हुआ है? हम तो ये सुनते थे कि भाई सीपैक पाकिस्तान की तकदीर बदल लेगा, सीपैक से ये हो जाएगा, सीपैक उस तरीके से वर्क क्यों नहीं, मतलब ये है कि उसके ऊपर क्यों नहीं वर्क किया? सीपैक के ऊपर काम ना होने की जो बेसिक वजह है वो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर स्टेबलाइजेशन है वो नहीं है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो आई मीन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो बीआरआई की अगर बात, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, इटली की तरफ से अभी यह खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम बीआरआई का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या एग्जिट कर दिया, क्या समझते हैं कि ये इंडिया और इटली का एक नया जॉइंट है जो कि चाइना के को जो है डिप्लोमेटिकली उनको एक जवाब दिया? इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि आपको याद होगा यूरोप ने एक कैप्सूल चलाई थी, इंट्रा कनेक्ट किया था यूरोप पूरे को, ठीक है, अब वो यूरोप पूरा तो कनेक्ट हो गया, जब बात आई एशियंस की तो उनको ये बात चुभती है कि हमेशा से ही चुभी है कि एशियंस क्यों तरक्की कर रहे हैं। अब अगर बीआरआई बन जाता है, बीआरआई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर बीआरआई बन जाता है तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो चाइना को है। ठीक है, ये तो एक अंडरस्टूड बात है। ठीक है, अब ना इंडिया चाहता है कि चाइना स्ट्रांग हो, ना यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं चाहता। क्यों? यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिर्फ एक आप कह लें हरीफ है
डायरेक्ट हरीफ है वो सिर्फ चाइना है, और कोई बंदा उसको आंखें दिखा नहीं सकता। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि यूएस नहीं चाहता या यूरोप नहीं चाहता कि चाइना स्ट्रांग हो, लेकिन जो पहली बात आपने किया कि यूरोप नहीं चाहता कि भाई एशिया से कोई कंट्री तरीके से उठे, आपने बोला ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये एशिया की से यूरोप की वजह से डाउन जा रहा है। अभी इंडिया ने भी इसी लेवल का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो यूरोप के साथ मिलकर किया, शायद आपको खबर हो जो कि यूएई सऊदीया भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो फिर क्या ये डिप्लोमेसी के अंदर नहीं आ जाता कि भाई इंडिया के रिलेशन तो सबके साथ बेहतर हो रहे हैं, चाइना के रिलेशन अब उस तरीके से बेहतर नहीं रह पा रहे इंटरनेशनल लेवल पर? देखें, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकॉनमी स्ट्रांग हो रही होती है तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाइना के सामने इंडिया को एक कीड़े मकोड़े की ऐसी ऐसे ही जानता हूँ, क्योंकि चाइना जो मार्केट में इन है इस वक्त, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की कि इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड अगर आप किसी भी घर के अंदर देख लें तो अगर 100 में से आप उन्हें कंसिडर करें तो मोर देन 80% चीज़ों के ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अब मैं आपने बोला कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता इंडिया को, जीडीपी किसी भी कंट्री की जो है वो उस कंट्री की डेवलपमेंट को शो करती है। Exactly. इस दफा इस साल की 2023 की आप जीडीपी उठा के देख लें, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, चाइना से भी कई गुना ज्यादा है, मतलब कई गुना उनकी 5% है ऑलमोस्ट और इनकी 7.6% है। इसका मतलब है इंडिया ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। फिर आईफोन की अगर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठ के वहां पे जा रही है, एप्पल की अगर बात करें और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहां चाइना से उठ के इंडिया जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये कीड़ा मकोड़ा हमें भी है, मतलब ये है कि स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे ये समझते हैं कि जो चाइना है वो आने वाले टाइम की सुपर पावर है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कितने कंट्रीज इनके आगे कुछ नहीं है, लेकिन आज मेरे ख्याल से सोच बदल चुकी है और रियलिटी भी कुछ देखें आपने बात की चाइना और इंडिया के कंपेरिजन की, चाइना और इंडिया का कंपेरिजन आप कर नहीं सकते। देखें, आपने बात की एप्पल की कि एप्पल उठ के वहाँ पे आ गया, इंडिया के अंदर आ गया, जीडीपी की भी बात की। हाँ, वो भी मैं देखें इसको सेपरेटली हम लोग लेके चलते हैं। देखें, आपने कहा कि एप्पल उठ के वहाँ पे आ गया, वो दूसरी चीज़ें मल्टीनेशनल्स उठ के वहाँ पे आ गई, वो मल्टीनेशनल्स किसी भी कंपनी में उस वक्त जाती हैं जब वहाँ पे जो उनकी कॉस्ट होती है, जो मजदूरी होती है वो कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों से कम होती है। ठीक है, इंडिया में अगर आप बात करें, आपने जीडीपी की बात की, तो वो बेसिकली आप दूसरे एंड पे देखें तो इंडिया में मोर देन 60% लोग जो लाइन है गुर्बत की लाइन है उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो यूनाइटेड नेशंस, ये भी हमें मीडिया पे बताया जाता है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की 2023 की रिपोर्ट है 0.1% या आप ओवरऑल 1% एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी सिर्फ इस टाइम इंडिया में रह चुकी है। फिर आपने बोला 60% लोग पॉवर्टी से नीचे हैं। देखें, ये थोड़ा डाटा है, ये इंटरनेट पे भी मौजूद होगा। देखें, एक मिनट मेरी बात सुने। और आपने बोला वहाँ पे पॉवर्टी, मैं यहाँ पे श्योरिटी से कहता हूँ कि नो डाउट गुर्बत वहाँ पे होगी, लेकिन जिस तरीके से अभी वो अपने उनके बिजली का पर यूनिट देख लें, उसके अलावा वहाँ पे जो आटा घी चावल की कीमत देख लें, उसके अलावा आप वहाँ पे बाइंग पावर लोगों की देख लें, और एज कम्पेयर टू पाकिस्तान मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्लिप कर रहे हैं। नहीं, डिबेट का मतलब ये होता है ना, मैं आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, मैं आपकी बात से। मैं अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू देख रहा था, पाकिस्तान में कंपैरेटिवली जो देखें आप जब ज्यादा हुजम की बात करते हैं ना, तो उसमें वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं जो कि नॉर्मली किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को, किसी भी डेमोक्रेटिक स्पेशली कंट्री को जो डैमेज कर रही होती हैं। ठीक है, और वो डैमेज कर क्या कर रही होती हैं, वो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। अब आप अगर ये बात जीडीपी की बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि पिछले कितने साल से कंसिस्टेंटली मोदी की हुकूमत है। अब मोदी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, हाँ, समहाउ करप्शन हुई होगी, करप्ट लोग वहाँ पे भी हैं, जगह पे होते हैं, हर जगह पे हैं। अब जो करप्शन हुई, लेकिन उसका अगर आप 5% भी फायदा देखें तो वो इंडियन नेशंस को हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, दूसरा आगे टांग खींच लेता है,
ठीक है, वो प्रोजेक्ट वो उस पर जितनी इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो जीरो हो जाती है, हम लोग फिर खाली हाथ बैठ जाते हैं। वहाँ पे रियल मैनी में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फिर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में 1947 से लेकर 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सका, कोई गवर्नमेंट्स पूरी हुई है लेकिन टेन्योर कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं पूरा कर सका। फिर सेकेंडली अगर बात करें अगर डेवलपमेंट की, आपने बोला चाइना के सामने इंडिया चुनौती है या इस तरीके से है, चाइना इस टाइम दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें वो पांचवी बड़ी इकॉनमी है, और उनका ये दावा है इंडिया वालों का कि आने वाले टाइम में वो तीसरी, और कुछ ही सालों में कुछ ही टाइम में वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, तो इसका मतलब है ज्यादा दूर नहीं है। नहीं देखें, अब बात फिर वही है कि चाइना एम्पावर कर रहा है अपनी उन चीजों को जिन चीजों से वो समहाउ निगलेक्टेड रहा, ठीक है, जिस तरह से अगर आप एक सेकंड के लिए हम लोग इसको बियॉन्ड द लाइन लेके जाते हैं, वो ये है कि चाइना अगर दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है या पहली बड़ी इकॉनमी है, वो अपने उस 40% जो उनका पूरा रकबा है उसको यूटिलाइज करके वो पहले या दूसरे नंबर पे है। इंडिया अपने 100% को या 80% को या 90% को अचीव करके या उसको यूटिलाइज करके वो पांचवी बड़ी इकॉनमी है, ठीक है, ये आपने मेरी बात नोट करनी है। अगर चाइना 14% के ऊपर दूसरी बड़ी इकॉनमी है, तो आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि अगर वो 86 रिमेनिंग 86 जो के सर्व होना था थ्रू सीपैक, अगर वो होता है तो चाइना कहाँ पे जाता है, ठीक है, वो होता है। और मैं यही टॉपिक ये है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज अपना इंटरेस्ट खो रही है, वो कह रही है इटली ने ये कह दिया, और दूसरे नंबर पे डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं। एक मिनट, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, BRI इज अनदर थिंग और CPAC इज अनदर थिंग। लेकिन BRI जो है वो CPAC जो है वो BRI का हिस्सा है, समझ ले, बाद में बनेगा भाई, बाद में बनेगा BRI। हाँ वो देखें मेरी बात, BRI मेन प्रोजेक्ट है, CPAC तो एक पार्ट है उसका, वो जो पाकिस्तान यानी कि चाइना पाकिस्तान को। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप गूगल मैप करें ना, तो गूगल मैप के ऊपर आपको ना वो सारी जो KKH है और वो सारा जो है ना वो कराकोरम हाईवे, वो आपको सारा ना नजर आएगा कि वो कहाँ पे जाके एग्जैक्टली सर्व हो रहा है। BRI उसके बाद वहां से जाए, जिस तरह से CPAC बड़ा प्रोजेक्ट है या BRI? ऑब्वियसली BRI, इसमें कोई दो राय। प्रोजेक्ट कौन सा है? देखें शुरू करने के लिए ना पहली सीढ़ी के ऊपर पांव रखना पड़ता है। अगर पहली सीढ़ी भी नहीं ना चढ़ पा रहे, हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हमें बड़ी, मैं जब कॉलेज में था ना, मैं मतलब फर्स्ट ईयर में था, तब ये कहा जाता था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जो पाकिस्तान की गेम चेंजर है, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, गोरे यहाँ पे आके जॉब करेंगे, ना तो वो प्रोजेक्ट हमें पूरा होता नजर आ रहा है। मेन इशू ये है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे नजर आ रही है, अगर पाकिस्तान की बात करें, फिर इंडिया की अगर बात करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी दिन ब दिन हर एक कंट्रीज के साथ, मुझे कोई 2-3 कंट्रीज बता दें जिसके साथ इंडिया के रिलेशन नहीं बेहतर, 2-3 ज्यादा नहीं, इवन इस्लामिक कंट्रीज, चाइना पाकिस्तान को छोड़। देखें अब यहाँ पे बात आ जाती है थोड़ी सी अपने इंटरेस्ट की, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा पाकिस्तान का इंटरेस्ट शो करता है ना, उस बंदे को उठा के जेल में डाल देते हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर अगर कोई बंदा इस तरह से करता है, उसको समझाते हैं, उसको कहते हैं भाई चुप करो, बैठे रहो, ये पूरी नेशन का मसला है। हाँ, वो यानी अपनी नेशन को पहले रखते हैं। यस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जेब को भाई पहले रखते हैं, जिसकी वजह से अब आप एक चीज सोचें कि क्या पाकिस्तान पहले दिन से 1947 से ऐसे था? नहीं, ऐसे नहीं था। पाकिस्तान एक टाइम पे, जो मैंने सुना है, आप इसे सेकंड कर सकते हैं या डिसएग्री भी कर सकते हैं, एक टाइम पे एशियन टाइगर भी कहा जाता था 60s में या ऐसे। यस, देखें पाकिस्तान अपने रकबे के लिहाज से एक छोटा सा मुल्क है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अपने पोटेंशियल के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है। आपके लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो वो ना सोच सकते हैं ना देख सकते हैं, दो चीजें हैं ना सोच भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, फिर फायदा क्या जिस चीज को हम ना सोच सकते हैं ना। आज तक हमने इस टैलेंट का क्या किया, हमारे तो इस स्टेटमेंट का मजाक बन गया इंटरनेशनल लेवल पे कि जी पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है लेकिन डिफॉल्ट होने के करीब है, टैलेंट बहुत है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट 70 रुपए का है, इसके अलावा टैलेंट बहुत है आटा 150 का साल। इसी तरह से है जिस तरह से आपने BRI और CPAC की बात की, मैंने जो बात की वो उसके पीछे एक लॉजिक था कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसको
चलाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए सम हाउ आपको वो पहली सीढ़ी का इस्तेमाल आना चाहिए, वो पहली सीढ़ी चाहिए, वो पहली सीढ़ी अपने आप से लॉयल होना, अपने पाकिस्तान से लॉयल होना। हाँ वो देखें, आप पाकिस्तान में पेट्रियाटिज़म बहुत है। अच्छा। हाँ पाकिस्तानी अपने मुल्क से बहुत वफादार हैं, जज्बे के हद तक कि जज्बा बहुत है, ये बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करें। पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है, जो जो पेट्रियाटिज्म है, वो सिर्फ 14 अगस्त को ना सामने आता है, और 15 अगस्त को वो जाके कहीं पे सो जाता है, उसके बाद फिर वही करप्शन, फिर वही धोखाधड़ी, वही काम तोलना, वही। सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, इस वीडियो से पहले प्रोग्राम से पहले यही डिस्कशन हो रही थी कि कहीं ना कहीं मैं भी उसका जिम्मेदार हूं, कहीं ना कहीं पब्लिक, पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो जिम्मेदार है, क्योंकि हम ना तो अपने पॉलिटिशियंस को अच्छे तरीके से सिलेक्ट करते हैं, मेरिट पे सिलेक्ट करते हैं, और अगर सिलेक्ट कर भी लें तो जिनके अख्तियार में है उन पॉलिटिशियंस को चलाना या अपने पाकिस्तान को चलाना, वो अदारे या वो लोग उस तरीके से लेके नहीं चल पाते। मुझे ये बताएं कैसे हमारे रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर होंगे, कैसे हमारी दुनिया में जो हम एक बात करते हैं टैलेंट बहुत है उसको वाकई में समझा जाएगा, माना जाएगा, ना के मजाक बनाया जाएगा। इंडिया की हम बात कर रहे थे, आज वो दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी चांद पे पहुंच गई, और बहुत सी चीजें हैं जो तारीफ करने लगे तो शायद ऐसा लगेगा कि यार ये तो मतलब तारीफ ही किया जा रहा है, लेकिन रियलिटी है। देखें उसमें सबसे जो मेन चीज है वो है आपकी कमिटमेंट्स, आप कमिट करें और उस कमिटमेंट को बाय ऑल मींस पूरा करें। ठीक है, आप मतलब पाकिस्तान हमेशा से मिस कमिटमेंट करता आ रहा है, और पाकिस्तान इट सेल्फ नहीं करता, पाकिस्तान को जो चलाने वाले पपेट्स होते हैं बेसिकली वो कर रहे होते हैं। जैसे है कि मैंने पी नहीं पिला दी गई। यस बिल्कुल, मजबूरन करना पड़ता है, और वो मजबूरी भी है कि हम IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, उनके पैसों से हम, उनके डॉलर्स के साथ हम चल रहे हैं, उनकी बात माननी पड़ती है। CPEC की BRI की बात हो रही थी जो कि टॉपिक था, और टॉपिक ये था कि भाई इटली ने ऑफिशियली ये कह दिया कि हम एग्जिट करते हैं वहाँ से, और इंडिया, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी इसी लेवल का, इसी मतलब इसी तरह का एक जो सा इसके मुकाबले में प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो कि यूरोप तक जाएगा। ठीक हो गया, क्या ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि CPEC या BRI से पहले तो उनका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और वो जो सा वो पाया तकमील तक पहुँचेगा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता। वेल, इसके लिए एक प्रॉपर वर्किंग होती है, और वो वर्किंग हाँ somehow इंडिया ने की होगी। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। मैंने एक सवाल किया था, हमने उसका जवाब नहीं दिया। मुझे चाइना और पाकिस्तान के अलावा कोई दो या तीन कंट्रीज बता दें जिनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं। बेहतर नहीं, वेल मुझे नहीं पता। ठीक है, अब पाकिस्तान के कोई भी चार कंट्रीज बता दें जिनके साथ रिलेशन बेहतर है, कोई भी चार। सबसे चाइना को छोड़, सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ही है भाई, जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें बैन कर दिया जाता है US की तरफ से। हाँ देखें, इसलिए हमें जो सा यहाँ पे जो सा है रशिया के साथ ट्रेड करने से रोका जाता है, इसलिए हमें ईरान के साथ ट्रेड करने से US रोकता है कि ये रिलेशन, इसे रिलेशन बेहतर नहीं, इसे ऑर्डर देना कहते हैं। इसी को तो देखें, हाँ देखें, जो पपेट्स होते हैं ना उसके अपने मालिक के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से होते हैं कि जो ऑडियंस में बंदा बैठा होता है ना उसको भाई वो पपेट्स वो नाचते नज़र आते हैं, लेकिन उनके पीछे मालिक का हाथ होता है। इट मींस वो जो लीड होती है ना वो रिलेशन होता है जो कि उसका अपने मालिक के साथ बहुत स्ट्रांग होता है। हमारे अगर किसी के साथ रिलेशन बेहतर है, ऐसे पपेट बेहतर है ऑब्वियसली। ये बेहतरी मतलब ये इन चीज़ों को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, लास्ट में बता दें। अच्छा लगा जी बात करके, मैं बहुत सी चीज़ों से डिसएग्री कहीं ना कहीं करता हूँ, लेकिन एज ए पाकिस्तान की उनकी अपनी एक ओपिनियन है, उनकी अपनी राइट है। और आप अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो भी या मुसलमानों के अगेंस्ट जो भी गलत होता है वो यहूदी कर रहे हैं, और उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? अखे काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ठीक, चाइना वाले मोमिन है नहीं? देखें, और एक और चीज़ है कि अच्छी बात मौला अली का फरमान है कि अच्छी बात जहाँ से मिले उसे ले लो। ठीक है, यहाँ पे एक और मैं आपको कोट करता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं कोट करता हूँ प्यारे भाई, कि एक दफ़ा एक सहाबी वो देख रहे कि कुछ यहूदी और कुछ कुफार आके तो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, तो दुआ कर रहे हैं और कुछ इस तरह से, तो उन्होंने आके अपने खलीफा से बात की कि उन्होंने कहा कि ये इस तरह से मामला, तो फरमाया उनसे अच्छी चीज़ ले लिया करो। ठीक है, और वो यहूदियों से यस अच्छी चीज़ जहाँ से मिले वो लो। ये देखे ना
अब आपकी ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा वो आ रहा है, मुतजाद आ रहा है। आप एक साइड पे कह रहे हैं कि भाई आप किसी यहूदी का भी आपके या काफर दोस्त नहीं हो सकते, दूसरी साइड पे आप ही कह रहे हैं कि नबी पाक ने कहा कि जहाँ से भी अच्छी चीज मिले यहूदियों से, खास तौर पे आपने ये जिक्र किया यहूदी। नहीं नहीं नहीं, आपने बोला ना यहूदी गुजरे, देखें मतलब कुफार का भी लफ्ज इस्तेमाल किया ना साथ, कुफार में नसरानी भी थे, यहूदी भी थे, वो सारे थे। फिर आपको क्या लगता है हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए किसके साथ, किसी भी नॉन मुस्लिम जो काफर के? देखें आप बात कर, इसराइल की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल साहब की बात, यहूदी देखें फार की बात। जब भी बात होती है ना मुसलमानों की, तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है ना वो जाता है सऊदीया, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेसिकली हम लोग जिस नबी की उम्मत है वो ऑब्वियसली वहाँ पे थे, ठीक है? तो इसलिए जब बात होती है ना यहूदियों की, तो सबसे पहले ध्यान जाता है इसराइल, जो कि बेसिकली इसी तरह से है जिस तरह से ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया ने किया हुआ है, ठीक है? अब हिटलर ने एक बड़ी एक बात की थी, एक तारीखी जुमला कहा था हिटलर ने, अडोल्फ हिटलर ने, उसने कहा था कि मैं ये जो यहूदी छोड़ रहा हूँ ना, ये आपको बताएंगे कि मैंने इनको क्यों मारा था, ठीक है? अगर आप किसी यहूदी के सामने होलोकास्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो आपको वैसे ही कत्ल कर दे। अच्छा, आपने बोला कि जब इस्लाम की या मुसलमानों की बात आती है हम सऊदीया की तरफ देखते हैं, आपको पता है सऊदीया के जो रिलेशन है इंडिया के साथ कितने बेहतर हैं? आपको इस चीज का आइडिया है? देखें अब इवन दूसरे बड़े नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत बेहतर रिलेशन है। देखें रिलेशन डेवलप करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, वंस इट्स डन उसके बाद फिर आपस में एक दूसरे के मफाद जो होते हैं ना वो बड़े ज़्यादा। देखें अगर आप सलमान शेख सलमान की बात करें, सलमान अपना क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान MBS जिसे कहते हैं, अगर आप उनकी बात करें तो उनको समहाउ अपना मफाद भी तो ज़रूरी है ना भाई, मतलब वहाँ पे फिर मज़हब ज़रूरी नहीं। देखें वो अब हर बंदे की अपनी अपनी मेंटल अप्रोच है। आप यही तो कह रहे हैं कि हम उनकी तरफ देखते हैं, तो इसका मतलब है अगर उनको अपना मफाद जरूरी है हमें भी कहीं ना कहीं, हम उस रॉयल फैमिली को नहीं देखते। सऊदीया में लीड तो वो ही कर रहे हैं ना। देखें अब पाकिस्तान में लीड नवाज शरीफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ एंड फैमिली कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं नवाज शरीफ को देख रहा हूँ? यानी आपका कहने का मतलब यह सऊदीया के जो लोग हैं उस फैमिली को छोड़ के, जो वहाँ के बादशाह हैं उनको छोड़ के जो लोग हैं वो नहीं चाहते किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करना। देखें मैं वेल अपनी अगर बात करते हैं लास्ट एक मिनट में कि क्या आप नहीं चाहते किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर हो? देखें आप सारा कुछ, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका जो कंज्यूमर है वो ईसाई भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, मतलब इट डजंट मीन कि आप बना के चीज़ें अपने ही घर में रखते जाएं, उनको मार्केट में सेल आउट भी तो करना है ना। नंबर पे बनाएं तो सही, हम बना नहीं रहे, हम ये मिसाल को उल्ट कर ले, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऐसा सच नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी सारी। आप फिर बात कर रहे हैं, मैं बेसिकली जनरल बात, पंजाब का एक रहायशी हूँ और पंजाब में जो पंजाब की बैकबोन है वो है एग्रीकल्चर, ठीक है? अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो किसान से आप 2000 रुपये मन कनक ले गए जिसे गंदम कहते हैं, वीट कहते हैं, तो आप वो लेके और उसी किसान को 4000 रुपये जब वो खाने लगता है तो उसको देते हैं, तो कहाँ पे आपकी आपकी हुकूमत कहाँ पे है, आपकी फैसिलिटीज कहाँ पे हैं? यही चीज़ है जी। चले अच्छा लगा बात करके, जो इनकी ओपिनियन थी आप तक पहुँचाई, और लास्ट में मुझे बस ये बता दें मेरी क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सोच को बदलने के लिए यूथ की क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, कैसे हम इस कंसेप्ट से बाहर निकलेंगे कि भाई वो हमारा दुश्मन वो दोस्त, कि ये सबसे पहले ये क्यों नहीं सोचेंगे कि खुद को ठीक करना है और सबके साथ रिलेशन बेहतर करना है? देखें अगर आपका ज़मीर जिंदा है ना तो वो आपको मलामत करेगा, वो इस बात पे मलामत करेगा कि ये बात हक है और ये बात ना हक है, और जब तक आप करप्शन से अपने हाथ नहीं ना बाहर निकालेंगे, वो कोई, वो इवन मैं हूँ आप हैं वो कोई बंदा है, आप जब तक करप्ट हैं पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता। जैसे ही आप करप्शन ख़त्म करेंगे